फाइनली सीयूटी 2023 का पहले दिन के पेपर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं तीनों शिफ्ट्स के अंदर। बहुत जगह देखने को मिला कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से पेपर देरी से स्टार्ट हुआ और उसकी वजह से स्टूडेंट्स को देरी तक वो पेपर देना पड़ा था। बट जैसा भी हुआ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस बार देखने को मिला स्टूडेंट्स की तरफ से पिछले साल की कंपेरिजन में। तो क्या डेटा रहा, कितने स्टूडेंट्स का एग्जाम शेड्यूल था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का यानी कि 21 मई के दिन तीनों शिफ्ट्स के पेपर को मिला के 265,248 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एग्जाम शेड्यूल था और इसके अंदर 76% अटेंडेंस देखी गई है। यानी कि सर अप्रोक्सीमेटली 200,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम को दिया है। जो पिछले साल की अगर हम लोग कंपैरिजन करें परसेंटेज से, तो पिछले साल लगभग 60-62% लोगों ने पहले दिन पेपर को दिया था, लेकिन इस बार अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। यानी कि सर इस बार बच्चे बहुत ज्यादा अवेयर हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आप लोग भी कि किन किन का कब कब आप लोगों का पेपर शेड्यूल है। तो याद रखिएगा आज का जो पेपर का पैटर्न देखने को मिला है वो इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। यानी कि बहुत बड़ा कोई बिग चेंज नहीं देखने को मिला है। जैसा पेपर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसी प्रकार का पेपर आप लोगों का देखने को मिला है। तो भैया ऑल द बेस्ट, कल का पेपर जिनका है या इसके बाद में जिनका भी पेपर आप लोगों का होने वाला है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, धमाकेदार तरीके से तैयारी करके अपने आपका जो पेपर है और अपना सिलेक्शन है उसको सिक्योर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।